टेंशन लेते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आजकल सिर्फ ट्विटर पे रह रहे हैं, ट्विटर पे भाषणबाजी कर रहे हैं, और ऐसे बड़े क्रिकेटर भी थे, अनुष्का मैम जो है और विराट कोहली, वो लोग डोनेशन मांग रहे लोगों से, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो जा रहे उधर पिकनिक के लिए, किधर है वो मालवीज क्या है, हाँ उधर जा रहे पिकनिक को, आप काय को डोनेशन देते है? आपको इतनी खुजली है तो जाओ ना, लोगों के घर घर में अनाज पहुंचाओ ना, उनको डोनेशन क्यों देने का? लोगों के घर घर में जाओ, दिखता नहीं क्या, अंधा लोग है क्या तुम लोग? जाओ ना, आपने उनके घर में जाओ, लोगों के अनाज पहुंचाओ। आज साला इधर से लेके बांद्रा से लेके वो बाबा हॉस्पिटल पहुंचने का है 4,000 रुपया एम्बुलेंस का लेते, किधर से देगा गरीब? हाँ किधर से गरीब देगा? घर में बैठो, सुरक्षित रहो। जब ना वो एक बाप घर के बाहर निकलेगा ना, तो शाम को ना घर में चूल्हा जलेगा, बाप माँ बाप की दवाई आएगी, समझा? ये नहीं लोगों को समझ रहा है, सिर्फ डायलॉग देने का, घर में बैठो, ऐसा है। बाप आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आप कई लोग ऐसे जो है आपके फैंस को भी शायद बहुत को कम पता है कि आप कई 20 साल से 15 साल से आप भी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इधर चला रहे हो, 24 घंटा फ्री चलती है, 24 घंटे। रक्तदान एक जीवन दान है, समझा? आज आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ऐसे हालात चालू है। ऐसे हालात पे बाहर आके आपका फर्ज बनता है कि बाहर आके लोगों की मदद करें, ना कि अपने घर में बैठे। हाँ तो ये ज़रूरी है, हर इंसान ने करना चाहिए। जो आज मैंने किया वो मेरा फ़र्ज निभाया, मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, मैंने मेरा फ़र्ज निभाया। आप लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है, आप आइडल मानते हैं, लोग आपको आदर्श मानते हैं, अनगिनत फैन हैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। हमारे यहाँ ब्लड की बड़ी कमी रही है अस्पतालों में, जो हालात कोरोना के रहे हैं, क्या मानते हैं एक नया पैगाम जाएगा और फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना बढ़ चढ़ के इस तरह के इंसानियत भरे काम में आगे बढ़े? नहीं ज़रूरी है ना, करना तो ज़रूरी है। अभी ये दूध पीते तो कोई बच्चे नहीं है ना, सबको समझता है कि आज हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है, समझा? और ये ठेका सिर्फ गरीबों ने नहीं लिया, वो बेटे ना महिलाओं में, उनका भी फर्ज बनता है कि वो नीचे उतर के ना लोगों की मदद करें, समझा? सिर्फ वो घर में बैठ के वो बनाएंगे सोशल डिस्टेंस करो, मास्क पहनो, ये पहनो, वो नहीं होता है। नीचे उतरो और देखो बाहर क्या चल रहा है, वो हाँ मदद करो लोगों की। कंगना बहुत तरह की बयानबाजी करती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव नॉट सीन हर डोनेटेड समथिंग, और वो सिर्फ बयानबाजी में रहती हैं, ग्राउंड पे मुझे लगता नहीं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उसको बिठा है किसने सर पे? मीडिया ने ना, जब उसने बोला था कि मुझे मुंबई पीओके लगती है, किसने बिठा है सर पे? मीडिया ने ना, उसको बोलो ट्विटर फेसबुक इससे नीचे उतर के ना ग्राउंड पे आके ना लोगों की मदद करें, सिर्फ ना बोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे आके मदद करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको बनाया है और आज लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो नीचे उतरो एयर कंडीशन से और लोगों की मदद करो। देखो वो पब्लिक सिटी के लिए करती है या और किसी के लिए करते हैं उसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं, और मालूम करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी को छींक आती है तो आप लोग पहला पहुँचते हो उधर, उससे अच्छा वो गरीब के घर में आज चूल्हा जला कि नहीं उसके लिए जाके जरा पूछो ना, और ये नेता लोग को बता उन लोग को कि जरा इधर राउंड मार करके तेरे एरिया में ना लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको जाके पूछो ये बात। भाई ये छोटा मेरा अच्छा काम कर रहा है, ये कैंप ब्लड कैंप किया, बहुत अच्छा काम किया। कल मैं परसों गिरगांव में था, वहाँ भी ऐसे ही। ये सब चीज़ें ना, ये आज यूथ है ना, ये देश का भविष्य है, इन लोग ने शुरुआत किया है तो इन लोग ही अभी अंजाम देंगे उसका, टेंशन नहीं। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आजकल सिर्फ ट्विटर पे रह रहे हैं, ट्विटर पे भाषणबाजी कर रहे हैं, और ऐसे बड़े क्रिकेटर भी थे, अनुष्का मैम जो है और विराट कोहली, वो लोग डोनेशन मांग रहे लोगों से, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो जा रहे उधर पिकनिक के लिए, किधर है वो मालवीज क्या है, हाँ उधर जा रहे पिकनिक को, आप काय को डोनेशन देते है? आपको इतनी खुजली है
तो जाओ ना लोगों के घर घर में, अनाज पहुंचाओ ना, उनको डोनेशन क्यों देने का? लोगों के घर घर में जाओ, दिखता नहीं क्या, अंधा लोग है क्या तुम लोग? जाओ ना, आपने उनके घर में जाओ, लोगों के अनाज पहुंचाओ। आज साला इधर से लेके बांद्रा से लेके वो बाबा हॉस्पिटल पहुंचने का है 4,000 रुपया एम्बुलेंस का लेते हैं। किधर से देगा गरीब? हाँ, किधर से गरीब देगा? घर में बैठो, सुरक्षित रहो। जब ना वो एक बाप घर के बाहर निकलेगा ना, तो शाम को ना घर में चूल्हा जलेगा, बाप माँ बाप की दवाई आएगी, समझा? ये नहीं लोगों को समझ रहा है, सिर्फ डायलॉग देने का, घर में बैठो, ऐसा है। बाबू आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आप कई लोग ऐसे जो है आपके फैंस को भी शायद बहुत को कम पता है कि आप कई 20 साल से 15 साल से आप भी एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इधर चला रहे हो। 24 घंटा फ्री चलती है, 24 घंटा फ्री एम्बुलेंस चलती है आगे आने वाले हाँ, समय में और अभी भी मैं कम से कम अभी 2-3 महीने से भाग रहा हूँ एम्बुलेंस के लिए। एक एक साल की वेटिंग है एम्बुलेंस की, इसलिए दूसरी एम्बुलेंस डालना चाहता हूँ मैं, कि कहाँ से गरीब कहाँ से देगा पैसा एम्बुलेंस का? घर में अनाज नहीं पक रहा है और एम्बुलेंस का किधर से देगा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आपने आज आपका ब्लड डोनेट किया, क्या अपने फैंस लोग को आप अपील क्या करना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैंने मेरा फर्ज निभाया, आप लोग भी आपका फर्ज निभाओ। आज ये देश को आपकी ज़रूरत है, सिर्फ बोल बच्चन दे के मतलब नहीं, देश को ज़रूरत है, वो हर किसी की ज़रूरत है। ये मत देखो मुझे क्या करना है, ये मत सोचो, भले वो बॉलीवुड रहने दो, क्रिकेटर लोग रहने दो, कोई भी रहने दो, आज इस देश को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अमीर गरीब मत सोचो, उतरो ये ग्राउंड पे और मदद करो। हाँ, कल हमने एक तूफान का भी सामना किया, ऑलरेडी हम एक महामारी का सामना कर रहे थे, बहुत जगह पे पेड़ गिरे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, खास करके ये कर्मा है, कर्मा कर्मा है, ये जो हुआ है ना ये कर्मा है, जो आपने किया ना वो भुगत रहे, झाड़ काट रहे है, बड़े से बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, समझा? ये सब कर्मा है, ऊपर वाला देख रहा है ना, उसको बोलते ना लाठी को आवाज नहीं, वो सच है, वो ऐसे ही मारेगा, अगर गलत करेगा तो कर्मा लौट के आता है, होएगा वो। थैंक यू। और कुछ नहीं ना, बस, और नहीं ना, बस।